जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुमने देखा। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5:15। आज लेट हो गया तुम्हारा भाई, क्योंकि जो आज के गेस्ट हैं ना, ये हमारे पहले पुराने गेस्ट हैं, पहले भी आ चुके हैं। तो आज देखते हैं क्या माहौल बनता है, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। तो आप हो गए हैं जंगल के अंदर एंट्री। ओके, तो भाई गेस्ट को ले लिया है, और एक छोटी सी बच्ची है हमारे संग, कुकी। कुकी क्या हाल है? बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। दो जोनों की एंट्री होती है, पहले भी आपने सफारी की हुई है। पहले पड़ेगा ढेला, फिर पड़ेगा झिरना। थोड़ा हम लेट पहले ही हो चुके हैं, तो इसलिए जो है पहले अपने निकलते हैं झिरना जोन की तरफ। ठीक है, सामने नज़र रखनी है आप लोगों ने। हाँ, कभी भी कोई वाइल्ड एनिमल सामने से निकल सकता है, नज़र सामने रखो। और थोड़ी बेसिक जानकारी देते हैं, जंगल में जब जब हम रुकेंगे कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बॉडी भी मूव नहीं करनी, मतलब बोलना नहीं है। बच्चे हैं अपने साथ, कुछ भी खाएंगे तो रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना है। ठीक है, और कभी भी वाइल्ड एनिमल, जैसे आजकल एलिफेंट भी चार्ज कर देता है, आज कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर सडनली गाड़ी पे चार्ज करता है, तो आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी युवराज भाई की है। ठीक है, समझ में आया कुक्कू? डन डन, कुक्कू को सब समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अपना फ़ोन, अपना वॉलेट ये इसमें टांग दो मैडम, ये ना इस पे टांग दो ऐसे अपना वॉलेट को, नहीं तो ये पक्का गिर जाएगा। कुछ भी ऐसा, फ़ोन भी मेरे ख्याल से रख लो, कोई भी ऐसी चीज़ जो है, हाँ कोई भी ऐसी चीज़ मतलब हाथ में पकड़ो, कोई भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ सीट पे नहीं रखनी है। ठीक है, कहीं भी बम्पर साइटिंग हो सकती है, कल तो हमारे जाने के बाद हुई थी, हम सुबह चले गए थे, आज हम वैसे ही लेट आए। मैं देख रहा लेट आगे जो क्या गेम बन रहा है। कल हम चले गए पहले तो जो मतलब झिरना जोन अर्ली मॉर्निंग 5 बजे एंट्री कर दी हमने, पर जो हमारे बाद की गाड़ियाँ थी उनको बाद में टाइगर देखा पौन घंटे तक बैठा हुआ पानी में। तो आज देखते हैं क्या माहौल बनता है। जंगल में आप डेंसिटी देख ही रहे हैं, आप इस टाइम पे सरस्का जाएंगे, रणथंभौर जाएंगे, तो आपको इतना डेंसिटी नहीं मिलेगा, वहाँ पूरा ड्राई मिलेगा। पर हमारा कॉर्बेट में ऐसा अभी भी इतना ग्रीनरी है, तो ये तो पतझड़ का टाइम है ना। क्या हुआ गुरु जी? है क्या माहौल कुछ? डरना नहीं है बच्चे, डेंसिटी ज्यादा है ना जंगल में, तो कोई भी बड़ा एलिफेंट भी होगा वो भी नहीं दिख पाएगा आप लोगों को ना। है क्या माहौल? तो भाग है फिर, और क्या, कहाँ बोल रहे हैं? कैसा भाई? कितनी देर पहले बोला? बोल ही रहा हूँ। टाइगर नीचे लेटा हुआ है। टाइगर देखो यार नीचे लेटा है, तो इसमें कोई बहादुर आदमी जाके देख सकता है नीचे जाके? कौन? सुनील। और भी कुछ तो होगी ना, क्योंकि टाइगर वगैरह वो बैठा हुआ सोया हुआ है। टाइगर जो है ना वो आराम से सोया हुआ है, और हमारा जोन दूसरा है, तो हमें टाइम लग जाएगा। अभी ये निकलेगा पता नहीं, निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि बंदर अगर कंटिन्यू बोलते तो इसका मतलब टाइगर मूवमेंट में है, मतलब टाइगर चल रहा है। अगर बंदर रुक रुक के बोल रहा है, बंदर तब अलार्म कॉल करता है, इसे बोलते हैं अलार्म कॉल, अलर्ट कॉल। जंगल में टाइगर वो प्रेडिटर है, जब वो आराम कर रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ आराम कर रही है, जब वो एक्टिव होकर चल रहा है तो सब अलर्ट कॉल कर रहे हैं, अलार्म कॉल कर रहे हैं। तो आपने एग्जैक्ट अलार्म कॉलों को पकड़ना है। परसों तो टाइगर यहाँ से चल के पूरा आगे वाटर बॉडी तक गया, ऑन रोड आया ऐसे सामने से। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ढेला है, ढेला आपने पहले विजिट किया हुआ है, पर आज इस बार हमारा जोन थोड़ा चेंज है। हमारे दो जोनों की एंट्री होती है यहाँ से, पहले ढेला पड़ता फिर झिरना। लास्ट ईयर जो आपने किया था वो ढेला किया था, अब हम जा रहे हैं झिरना जोन इसके बाद। तो जो गाड़ी झिरना जाती है उन्हें ढेला जोन का समझ लो 20% एरिया, ये मेटल रोड का 5 किलोमीटर का एरिया फ्री में देखने को मिलता है। ओके, स्पॉटेड डियर देखो कुको, स्पॉटेड डियर बेबी भी आपकी तरह देखो। ताली नहीं बजानी बच्चा, यहाँ सडनली रोड क्रॉसिंग टाइगर की ज़्यादा मिलती है। अचानक से आप जा रहे हो, सामने से क्रॉस कर गया, तगड़ा टाइगर है बहुत बड़ा। ये ढेला जोन के ट्रैक हैं जो आप पिछले साल घूमे थे, अभी हमें आगे झिरना जाना है। क्योंकि देखो कई सारे हिरन है ना, इधर देखो, इधर पीछे देखो, पीछे कल इस वाली वाटर बॉडी में पानी बैठा था, ऐसे तो नहीं दिखेगा, जब आप खड़े होकर देखोगे तब दिखेगा। इस जो वाटर पानी का तालाब है ना, इसमें
पानी वैसे नहीं दिख रहा, खड़े होकर देखोगे तो पानी है इसमें देखो। और आप लोगों को टाइगर दिखा था सुल्तान, वहाँ वो सामने जहाँ वो गाड़ी घूम रही ना, हाँ हाँ उधर दिखा। सूर्य देवता भी निकल गया, सूर्य देवता को प्रणाम, जय हो प्रभु। नो टॉयलेट है, ओहो चल रहा था यहाँ पे तक ढेला जोन का एरिया है, फिर उसके बाद ढेला जोन पे ये ग्रास लैंड है, ढेला जोन पे ये ग्रास लैंड है, ढेला जोन पे अंदर डेंस फॉरेस्ट है घूमने के लिए। एंड झरना के मुकाबले ढेला थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे 15 गाड़ियाँ पास हैं। अब यहाँ से ऑफ रोड के बाद एक एंट्री होगी, हमारा झरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ से झरना शुरू हो जाता है, पर एक एंट्री और करानी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। बीच में तो कई सारे हाथी दिख रहे थे, परसों भी बहुत अच्छा हाट दिखा था, आज दिखेगा नहीं दिखेगा ये भी नहीं पता। जंगल की डेंसिटी आप देख सकते हो, अगर हाथी इसके पीछे छुपा होगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, बहुत डेंस है जंगल ना। बिना चप्पल के चल रहा है, लग रहा है कोई, हाँ ये स्लॉथ बियर के पैरों के निशान है, ये हाथ है उसके आगे वाले, ये पैर है। हाँ भालू चला है ना यहाँ पे, इधर को भी निकला देखो ना, ये भालू की साइटिंग हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयर है, दिखता है स्लॉथ बियर। और दो बियर है यहाँ पे, स्लॉथ बियर और हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्लैक बियर मिलते हैं हिल्स में। स्लॉथ बियर का साइटिंग रेयर इसलिए क्योंकि 70-80 में ही नंबर है इनका, और इन दो जोनों में ही दिखते हैं, और रैंडमली मुलाकात हो सकती है इनसे, आप ढूंढ रहे कुछ और दिख आपको भालू जाएगा। थोड़ी बहुत अलार्म कॉल होती है, बट इतनी पैनिक कॉल नहीं होती भालू को देखते। ये सारे रिवर है सीजनेबल, बरसात में बहुत पानी रहता है इनमें। उधर भी हिरन है, वो आगे देखो रुका है, वो भाग रहा है, वो जा रहा है अंदर। ये बच्चा भी है इसका, देखो छोटा सा बेबी, माँ के संग दौड़ रहा है, देखो छोटा सा बेबी, वो देखो दौड़ रहा है आगे, ओह दो दो बेबी, एक ये पीछे आ गया देखो, ओह देखो एक स्मॉल भाई, वाइल्ड बोर का बेबी, माँ छूट गई पीछे। तो हम यहाँ पहुँचे थे यहाँ पे, और यहाँ से निकल गया हाथी अचानक, ये गली से बटिया है ना, एलिफेंट की रास्ता है, किस रूट से आया हो पानी पी के। दादी नमस्कार, आज देर हो गई यार, कुछ नहीं हुआ यार, इसलिए आज लेट आया, मैंने कहा कल लेट दिखा दो, आज लेट ही जाता हूँ, आज कल आया ही नहीं। वगैरह तुम्हारी वो गाड़ी की मोटर नहीं चल रही, जरा देखो यार उसकी हेल्प करो। हाँ धक्का क्या, मोटर नहीं चल रही, फोटो ले लो। बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ भी अच्छी साइटिंग थी, पर अभी कुछ टाइम से यहाँ पे साइटिंग हल्की हो गई है। चलो आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे जहाँ पॉइंट्स होंगे वहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। छोटे छोटे मंकीज हैं, कुकी इधर देखो, छोटा बीबी आपके जैसे, नीचे देखो ना, डर क्यों रहे हो, बड़ा मंकी देखा तुम्हें, छोटा देखा है। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल एक बर्ड था ना, उड़ गया, कोई बात नहीं। उस वाटर बॉडी पे टाइगर आ रहा है पानी पीने के लिए अक्सर, तो हम जहाँ भी जाएंगे हमारी सफारी हम घूम फिर के इधर जरूर रुकेंगे जरूर। अरे वाह, कहाँ से हैं आप लोग? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही, फर्स्ट टाइम है अपना। अच्छा वो वहीं खड़ी रहती है, कल हम आए नहीं थे पर सुबह आए थे, गाड़ियाँ अलग अलग जगह से घूम के आ रही, ये वाटर बॉडी यहाँ पे अच्छे चांस है पानी के निकलने के, पानी में टाइगर निकलने के। आएगा नीचे से ऊपर को, वो ये बता दिया है कौन टाइगर नीचे, वो निकला था सुबह सुबह दुकान को ना, वो तो गया किसी को देखा, कल शाम मैं नहीं आने का। इंडियन रॉबिन, चिड़िया का नाम क्या है कुछ, इंडियन रॉबिन। एक राउंड पूरे जंगल का मार लेते हैं, फिर देखते हैं क्या माहौल है, ठीक है। साइटिंग के चांस ज़्यादा इधर ही है, पर पीछे
आज ऐसे घूम के आ रहे हो और इधर से लेना है ऐसे। कई सारे स्पॉटेड डियर आगे और हैं, बट हमने कई हिरन देख लिए हैं, बार बार इनके लिए गाड़ी नहीं रोकेंगे, बात करेंगे टाइगर पर, ठीक है। खुली गाड़ी में घूम रहे हैं, इन हिरनों का तो हमें थैंक यू कहना चाहिए, थैंक यू डियर, क्योंकि जब हम ये इतने सारे हैं तभी हम खुली गाड़ी में घूम रहे हैं, क्योंकि टाइगर को पूरा भोजन अवेलेबल है ना अपना। अभी क्या उसका भोजन कम हो गया तो हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो खुद ढूंढता हुआ आ जाने का। कहाँ दिखा आज ये बताओ? अभी तो नहीं दिखा, सुबह स्टे में ही हो आप? ये बता रहा मुझे दिखा करके डॉर। हाँ वो बॉर्डर पे क्रॉस करते हुए दिखा होगा, तुमने देखा होगा। सुबह साइटिंग कम ही दे रहा है यार ये पार्क, सुबह कम है, शाम में गर्मी पड़ी तब आ रहा बाहर। चलो देखते हैं यार क्या माहौल है। तुम्हारा फाटो वाला है 16 तारीख को। मेरा ही है, तुम नहीं कह रहे थे जो तुमने नंबर दिया था इससे? हाँ आया गेस्ट को, उसे भी देखना जरा अच्छे से घुमा देना, ठीक है, मिलते हैं ना अभी। ओके पीछे कुछ नहीं यार, अभी यहाँ तो ढेला में भी रहा, हाथी भी गए हैं, देखो हाथी जो जंगल के अंदर चले गए फिर वो नहीं दिखेंगे ना, समझो। हाथी एक जगह पे रुकता भी नहीं है ना, खाता रहता चलता रहता है, दिख रहा क्या? पांच जगह पर उसने पॉज दे रखा वो मार रही थी ना से बर्ड, एक जिंदा है ना। सोना चौकी है, बब्बू सोना, यहाँ से घुमा लेंगे गाड़ी।
उसकी तो बन जाएंगे भी दिख रहा कल शाम ही था ना। अच्छा दिखा पानी पे आया था टाइगर बता रहे इधर से आए थे ना अब इधर से जा रहे हैं डैम इधर डेंसिटी ज़्यादा है बता रहे स्टार्टिंग नाइट स्टाइल वाली गाड़ी को ना डॉर भी वहाँ नाइट स्टे में हो है ना डॉर भी तो तीन दिन से यही है। हाँ हाँ जिसके तुम सिंगल आदमी है तीन दिन से यही है स्टे में है डॉर भी तो चलो देखते हैं ऐसे में हाथी आ गया तो बड़ा खतरा हो जाता है। हाँ ऐसे रस्तों पे हाथी से बचना हुआ ना ऑफ रोड ज़्यादा है ना और चढ़ाई है कहीं पे ऊबड़ खाबड़ जंपिंग जबाक मतलब गाड़ी आप एकदम बैक नहीं ले सकते हो सडनली आ गया तो इसीलिए हम टूरिस्ट से कहते हैं कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर आपकी गाड़ी को चार्ज कर रहा है आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है खासतौर पर हाथी क्योंकि आप जितना चिल्लाओगे हाथी उतना ज़्यादा चार्ज करेगा गाड़ी पर नींद के बारे क्योंकि अभी टाइगर आएगा सारी नींद भाग जाएगी। ओके बस मामू आपको देख लिया सीधे टाइगर दिखेगा आप बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है अच्छा ये देखो कितना टफ रहा रोड है। अब एक दिन मुझे मेरा गाड़ी का मुंह इधर को था और जहाँ पे मैं भी खड़ा था ना वहाँ पे टस्कर मिल गया मुझे। मैंने बिल्कुल गश्त को बताए बिना ही पहले गाड़ी पूरी बैक लाया नीचे यहाँ तक फिर गाड़ी घुमाई फिर ले गया पीछे को आया टस्कर भागते हुए गाड़ी पे। अगर मुझे हाँ अगर मेरी गाड़ी का मुंह उधर को होता तो गाड़ी पलट देता हूँ। नमस्ते भैया नमस्ते कैसे हैं आप बढ़िया बढ़िया आप दूसरी गाड़ी में थे ना आपसे वो कहाँ से हैं आप लोग। मैं तो हूँ तो उत्तराखंड से रानीखेत से हूँ। अरे वाह रानीखेत से लेकिन अभी आया दिल्ली से। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फर्स्ट टाइम है। हाँ यहाँ अंदर पहली बार है रामनगर तो बहुत बढ़िया। जावेद भाई भी अपने भाई हैं परसों हमने मिल के ही देखा है टाइगर। हाँ वो वीडियो देखा था। और सब ठीक है भैया। ठीक है भैया चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे आप डालिएगा इसे भी पक्का 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 ठीक है जावेद। ओके अब कुछ नहीं है उधर स्पॉटेड डियर फीमेल। हम नीचे वाले रूट से गए थे ना अब हम पूरा ऐसे राउंड मार के आ गए पूरा फॉरेस्ट का। अब चल रहे हैं उसी वाटर बॉडी पे जहाँ मॉर्निंग टाइगर साइटिंग हुई है जहाँ पे आजकल अक्सर टाइगर साइटिंग हो रही है। कैसे लगते हैं वीडियो अच्छे लगते हैं कॉर्बेट आने से पहले ही देख लिए शांत का लंगूर भी नीचे थोड़ा धूप और पड़ने देते हैं ना। सोना है टाइगर के साथ सो जा जा। नीचे बंदरों की वो चल रहा है जरा पंगा ना शूट कर खेल रहे हैं दोनों ब्रीडिंग टाइम था ना कुछ महीने पहले तो छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं बंदरों के। झाड़ी है ना झाड़ी उसके अंदर देखो दिख गए हाँ।
कहाँ हिला रहे हो? बेबी जो सूखे हुए घास है उसके अंदर है, देखो झाड़ी में सेम कलर उसका वैसी है, कान हिला रहा हो? सूखे सूखे घास दिखाई दे रहा है अभी, और देखो वो देखो, हाँ वो देखो देखो इतना बड़ा है, अब देखो ये सूट भी हिला रहा है, देखो अभी रुको आएंगे बाहर आएंगे, ये आला तो दिख रहा होगा जो ये बाहर है, देखो ये दिख रहा नहीं दिख रहा? क्या आ गए हम कैंपस? देखो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे है ना, तो एक काम करो आप लोग गाड़ी में ही बैठो कुकी को लेके, है ना, मैं उसको कुछ चाय उसका अरेंज करता हूँ, ठीक है? डोमेस्टिक है बच्चे ना ये, पालतू आते हैं। कौन चिल्ला रहे हैं यार? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुमने देखा? ओके आगे भी कई सारे हिरन हैं, पूरा ग्रुप आ रहा है, देखो सब पानी पीने जा रहे हैं। खड़ी है सामर डियर दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं बड़े बड़े ब्राउन कलर के ना, और इनकी टेल खड़ी, देखो पूंछ खड़ी है ना, खतरा वहाँ से जा रहे हैं, खतरा हो सकता है ना साइड का। दो चार मिनट, दो तीन मिनट रुके हैं। ये आ गया आपका एग्जिट पॉइंट, तो कैसी रही सफारी आपकी? सफारी तो बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा सफारी में। टाइगर तो दिखा नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। नहीं लास्ट टाइम तो दिखा था। हाँ लास्ट टाइम आप लोगों को दिखा था, कोई बात नहीं। तो यार जबरदस्त जर्नी रही आज की भी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।